कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा जिसे प्रियंका गांधी ने झंडी दिखाकर बाराबंकी से रवाना किया था, वह लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट और बांदा होते हुए हमीरपुर पहुंच गए। प्रतिज्ञा यात्रा की अगुवाई प्रदेश मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व सांसद राकेश सचान सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। आज जब प्रतिज्ञा यात्रा हमीरपुर पहुंची तो जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया गया। तमाम कांग्रेसी नेता ढोल नगाड़ों के साथ जत्थों में जगह जगह इकट्ठा थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा में चल रहे नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया है। प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान मौधा कस्बे की एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए नसीमुद्दीन ने कहा कि देश और दुनिया के सबसे बड़े झूठे मोदी जी हैं और कहते हैं सच बोलो। सुनिए किस अंदाज में बोले कांग्रेसी नेता। हम झूठे लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर दुनिया में एक कंपटीशन हो जाए झूठों का अगर कंपटीशन हो जाए कि सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? श्री नरेंद्र दास मोदी जी आएगा। सबसे बड़े झूठे हैं दुनिया के। और आप कहते क्या हैं? आप लोगों से क्या कहते हैं कि सच बोलो, अपना सबसे बड़ा झूठ है और कहते हैं सच बोलो, या दूसरे लोगों कह दूं कि सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, मोदी जी योगी जी का ऐलान हुआ है सच बोलो, मोदी जी के घर में झूठों की एक मंडी है, मोदी जी के घर में झूठों की एक मंडी है, मोदी जी के घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। वारे मोदी जी, वारे योगी जी, आजकल है क्या? कांग्रेसी नेता नसीम उद्दीन ने नुक्कड़ सभा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता की पार्टी है। हम जब दूसरे मजहब का सम्मान करते हैं तो दूसरे मजहब वाला भी हमारे धर्म का सम्मान करेगा। नसीम उद्दीन ने कौमी एकता की बात करते हुए कुरान, रामायण और ऋग्वेद के कई दोहे भी सुनाकर कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता रहनी चाहिए। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं इंसान की बात करता हूँ। वो अलग मामला है, मैं मुसलमान हूँ, नमाजी हूँ, मेरा मामला है कोई पूजा पाठ करता ही उसका मामला है, या हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा की जाती है, या हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, हर जगह मंदिर मस्जिद बुला के खड़ा कर दिया जाता है, ये है क्या भाई? मेरे हम गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं, मेरे लिए मौदा नई जगह नहीं, ना मैं मौदा वालों के लिए आया, हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। अगर कोई काम शुरू करने से पहले मैं ये कहता हूँ कि आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो दूसरी तरफ काम शुरू करने से पहले श्री गणेश कह जाता है कि गजानन भूत गणाति से कपित जम्बू फल चारु रखा। क्या बात करते हो?